बुधवार को पोटा ग्राम पंचायत के शिवनगर वार्ड नंबर 2 में कुख्यात बदमाश अश्विन ढोने की 4 आरोपियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने बुधवार की देर रात 4 आरोपियों को कोलार नदी के घाट से गिरफ्तार किया, जिसमें शुभम राजेंद्र पाटिल, तुषार नारनवरे, सोनू केशव थापा तथा एक नाबालिग का समावेश है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले मृतक को शराब पिलाई, उसके बाद चारों ने मिलकर चाकू से गला रेत दिया। मृतक के पेट पर भी चाकू के घाव थे। उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ दिन पूर्व शुभम ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मौदा में चोरी कर सोने के आभूषण तथा रुपए लाए थे, जिसको लेकर मृतक आरोपियों से अपना हिस्सा मांग रहा था, नहीं तो पुलिस को बताने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। इसी बात को लेकर अश्विन को मौत के घाट उतारा गया। आरोपियों को सावनेर कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन का PCR दिया। NBC न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजबे के साथ अरुण महाजन की रिपोर्ट।